हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी सीपीओ के लिए हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 11 सीरीज कंप्लीट करा दी थी और ये 12वीं सीरीज है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं या आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कि हमने आपको करीब 129 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके हैं, और जिनको ये वाली वीडियोस देखनी है तो सीरीज़ 1 से लेके सीरीज़ 11 तक कंप्लीट देख लीजिए, और ये सीरीज़ 12वीं है क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया है। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 130 जो है उसमें क्वेश्चन ऐसा आया एग्जाम में, इफ़ थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन दिया है, वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन। तो आपको बताना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बाई ऑप्शन सॉल्व होते हैं। देख लीजिए, पहले तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालना है। एम की वैल्यू ये दे रखी है, एन की वैल्यू ये दे रखी है, यानी कि स्क्वायर कर दें और माइनस कर दें। ठीक है, तो हम यहीं से कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर दें, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा और बीच में यहाँ माइनस लगेगा, तो अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यह माइनस हो जाता तो माइनस इंटू माइनस प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब हम ये देख लेंगे कि ये वैल्यू किस में आ रही है, इसको हम अगर सॉल्व करके भी देखेंगे तो ये हो जाएगा, टेन को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, फोर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये वैल्यू आनी चाहिए। अब देख लो कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ 4mn दे रखा है, यहाँ 4√mn दे रखा है, तो पहले हम mn निकाल के देख लें इन दोनों को, हो सकता है ये करेक्ट हो जाए। तो m इंटू n निकालेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने m और n को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इंटू दिस, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे और ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, एक मिनट, साइन थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसमें क्या करेंगे, अब अगर ये एम एन निकला है तो इसका रूट अगर ले लें तो कितना आ जाएगा, रूट एम एन, रूट एम एन इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू बच जाएगी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, आ रही हैं, और देखिए ऑप्शन फोर में फोर भी दिया हुआ है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करके दोनों तरफ फोर से इंटू कर दें, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यहाँ पे स्क्वायर भी था, तो ये और ये दोनों इक्वल हो गई। ठीक है,
तो यानी कि जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वैल्यू ये आ रही थी। अब ऑप्शन को देख करके हमने ये वैल्यू किसकी निकाली, 4√mn की, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। मतलब ऐसे क्वेश्चन को वाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, और जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ऐसी कोई वैल्यूज आती है तो इनमें से ही कोई आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में। आप देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई करती है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक काम कर सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू, वैल्यू को हम एज्यूम कर लें इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू हो सकती है, अगर ए को इसका हाफ यानी कि 45 डिग्री से पुट कर दें तो शायद है कि आंसर आ जाना चाहिए। देखिए ये आ जाएगा cot 45 डिग्री ब्रैकेट 1 प्लस sec 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री और इसका दिया है होल स्क्वायर अपॉन cosec 45 डिग्री sec 45 डिग्री माइनस tan 45। मतलब जहां जहां भी ए था वहां वहां हमने 45 डिग्री पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan 40 cot 45 1 होता है तो ये 1 हो गया। ठीक, sec 45 क्या होता है, जो cos 45 की वैल्यू होती है। देखिए इसमें आपको टेबल याद करनी पड़ेगी और टेबल ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडेशन वीडियो में हमने पूरी डिस्कस की है, फॉर्मूले वगैरह सब बताए हैं, तो उस वीडियो का आई बटन में भी हम देंगे और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं cos 45, तो sin 45 cos 45 का उल्टा sec 45। sec 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो cos तो sec की हो जाएगी है cos 45 1/√2, तो इसकी हो जाएगी √2, यानी कि यहाँ पे हम रखेंगे √2, तो 1 प्लस इसकी वैल्यू √2 माइनस इसकी वैल्यू 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन ये कितनी आ जाएगी cosec के, तो sin के sin 45 1 होती है तो cosec के भी 1/√2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी √2, फिर ये √2 माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने लगा दी इसमें। अब क्या होगा, 1/2 इसको सॉल्व कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है, अब ये हो गया 4 ऊपर 1/2 ऊपर हो गया, देखिए 2 प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 2 दिस 2√2 अपॉन √2 इंटू, इसको हम इंटू करते हैं तो कैसा रहेगा 2 माइनस √2। ठीक है, अब ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस √2 अपॉन ये वाला 2 तो यहाँ आ गया और ये आ जाएगा 2 माइनस √2। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे कभी क्वेश्चन आए कि जिसकी बीच की वैल्यू, मतलब अगर जैसे ए मान लो दिया है 0 और 90 के बीच, तो मिड वैल्यू हम इसकी ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको वैल्यूज अगर याद होंगी तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर वो टेबल वाला वीडियो देख लेंगे तो आप वैल्यूज को लर्न करना भी सीख जाएंगे कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 132 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, तो देखिए 132 क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन दी है tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 और tan थीटा की वैल्यू बतानी है। अब इसे हम कैसे करेंगे, देखिए ये वाला जो इक्वेशन है इसको तो हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, पूरी एज इट इज उतार के फर्स्ट ले ली। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, अब sec को इधर ले आएंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि इसको इस साइड लाए तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा। अब हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होगा ए माइनस बी यानी कि दिस माइनस दिस, तो sec थीटा हो गया और ए प्लस बी में tan थीटा ए प्लस sec थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो दे रखी है 2, यहाँ पर यहाँ 2 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो ये इनटू में हो जाएगा और वो उसके नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 1/2
टू, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। तो जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू। देखिए वन प्लस टू कर दिया हमने, इक्वेशन वन प्लस टू कर दी, ठीक है, तो बच जाएगा टू टेन थीटा, सेक कैंसिल हो जाएगा इजिकल टू टू माइनस वन बाई टू, ठीक। तो कितना हो जाएगा, फोर में से वन माइनस करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं तो थ्री बाई टू, ठीक है। अब टेन थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, थ्री बाई, अब ये टू से डिवाइड कर देंगे तो थ्री बाई फोर, मतलब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 133 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, कुछ फॉर्मूले और वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और आइडेंटिटीज भी, अगर ये याद होगी तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अब जैसे क्या है कि sec थीटा इंटू टेन थीटा, sec थीटा सॉरी साइन थीटा इंटू cosec थीटा कितना होता है, वन होता है, और ये दोनों वन होता है, मतलब ये फॉर्मूला ही होता है। कैसे लिखते हैं हम, देखिए cosec थीटा इजिकल टू क्या होता है, वन बाई साइन थीटा, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजिकल टू वन होता है, ऐसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू वन होता है, यानी कि ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो ऊपर तो वन आ गया, ठीक है। और ये आइडेंटिटी होती है वन, तो मतलब वन अपॉन वन, यानी कि आंसर क्या आ गया, डी, क्लियर। यानी अगर फॉर्मूले याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन दो तीन बार पूछा गया है सीपीओ में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है टोटल। 134 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें दे रखा है कि अल्फा प्लस थीटा इजिकल टू 7π/12, टेन थीटा इजिकल टू रूट 3, आपको बताना है टेन अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसे करोगे कैसे, इसे करने के लिए ये वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि टेन थीटा इजिकल टू रूट 3। अब टेन रूट 3 किस में होता है, टेन 60 डिग्री में होता है, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर देखिए पाई में है तो इसको भी हम पाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 कर दें, ठीक, तो 0 0 कट गया, पाई बाई 3। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको अल्फा प्लस थीटा इजिकल टू 7π/12, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस पाई बाई 3 इजिकल टू 7π/12, अब अल्फा कितना हो जाएगा 7π/12 माइनस पाई बाई 3, ठीक है, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें हम 12 एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 7π माइनस 4π, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे 3π/12, तो इसे कट कर देंगे π/4, ठीक। अब अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 मतलब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब ये 45 डिग्री अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 10 45 कितना होता है, कितना हो जाएगा ये 1 1, मींस डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इजिकल टू रूट 3 दिया है, और कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा निकाला है, मतलब कि अगर इसी का क्यूबिक बोथ साइड कर दे तो ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब हम यही करने वाले हैं, इसमें क्यूबिक बोथ साइड कर रहे हैं तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल क्यूब रूट 3 का होल क्यूब, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, ab का मतलब इन दोनों का इनटू, और a प्लस बी यानी कि cos थीटा प्लस sec थीटा, ये हमने लगा दिया इधर फॉर्मूला, और इसको जब हम ओपन करेंगे रूट 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3, ठीक है। और क्योंकि इसकी वैल्यू रूट 3 दे रखी है तो यहाँ पर हम रूट 3 कर लेंगे, और ये दोनों 1 हो जाएंगे क्योंकि cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है, ठीक है। तो अब क्या निकलेगा, देखिए cos क्यूब थीटा
प्लस sec क्यूब थीटा, फिर क्या करना है इसमें, प्लस 3 क्योंकि ये 1 हो गया और इंटू रूट 3 आ गया, ठीक है 3 root 3। अब देखिए ये इस साइड जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 0, तो cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा इजिकल टू 0, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू होगा तो वो 0 आ जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 136, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली गलत होने के चांसेस हैं इसका, बड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए वाई एंगल वाई इज राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और वाई एंगल पे 90 है तो यहाँ वाई लिख लें, ठीक, एक्स यहाँ लिख लें एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ऐसे कर लो, चलो ठीक है। और क्या दिया है, एक्स वाई की वैल्यू 2 root 6 दे रखी है, तो एक्स वाई का मतलब ये डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, और एक इक्वेशन और दी है एक्स जेड माइनस वाई जेड इजिकल टू 2, ये इक्वेशन दे रखी है, हमने एज इट इज उतार लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको, ठीक है। अब देखिए ये चीज आपको दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये साइड निकालनी पड़ेगी। अब साइड के लिए देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि 90 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कैसे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी आपको चाहिए एक्स जेड और वाई जेड ही चाहिए, ठीक है, तो एक्स जेड ये है वाई जेड ये है, एक्स जेड और वाई जेड ये, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस हो गया तो हम पहले लिख देंगे एक्स जेड स्क्वायर इजिकल टू वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी इसका स्क्वायर इजिकल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो एक्स वाई का स्क्वायर ये दे रखा है 2 root 6 इसका होल स्क्वायर प्लस, अब इसको प्लस ना लगा के इसको इधर ले आए, ठीक है, यानी कि एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर इजिकल टू, हमने एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी और इसको इस साइड ले आया, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी इजिकल टू कितना का 2 2 4 × 6 यानी कि 24 हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 root 6 × 2 root 6, ठीक है। अब क्या करना है कि इसकी वैल्यू 2 दे रखी है आपको, तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू को 2 यहां लिख देंगे, एक्स जेड प्लस वाई जेड मतलब ये हम पुट कर रहे हैं, अच्छा इजिकल टू 24, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड कितना हो गया 24/2 मतलब 12 हो गया, ठीक है। अब 12 निकल गई इसकी वैल्यू, अब क्या करेंगे इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 और फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, तो एक्स जेड माइनस वाई जेड इजिकल टू 2, एक्स जेड प्लस वाई जेड इजिकल टू 12, दोनों को प्लस करेंगे 2xz = 14, तो xz की वैल्यू कितनी आ गई 7, xz 7 आ गया, x और z यानी कि ये आ गया 7, ठीक है। अब ऐसे ही हम ये yz निकालेंगे, yz कैसे निकालेंगे, या तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, ठीक है, xz की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, देखो इसमें पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो आप, चलो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, एक्सजेड निकला है 7 माइनस वाई जेड इजिकल टू 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा वाई जेड 7 माइनस 2 यानी कि 5 आ गया, तो वाई जेड आपका 5 आ गया, ठीक। अभी क्या हुआ, यहाँ तक तीनों साइड निकल आई, एक दी थी दो निकल आई हैं, अब आपको निकालना क्या, एक्स निकालना है, एंगल ये एंगल दिया है, इसका मतलब समझते हैं, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप लगाओ sec क्या होता है, वो था ना फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब ये हो गया cos sec, ये हो गया sec, ये हो गया cot,
ये पूरा पैटर्न हमने दिया है जिसमें फॉर्मूले समझाए हैं और टेबल समझाई है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ निकालना है sec थीटा, तो sec थीटा क्या होता है, h बाई बी, तो h कितना है यहाँ पर, h दे रखा है हाइपोटेन्यूज 7 हो गया और b हो गया 2√6 प्लस 10 हो गया 5/2√6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो ये कितना हो गया 7/5 12 12/2√6, ये कट कर दिया, 6/√6 का मतलब क्या हो गया, √6, ठीक है। तो √6 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 137 बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। तो चलिए देखिए इसको, 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री ऐसे दे रखा है 90 डिग्री में, मतलब हर चीज में दो दो का गैप आ रहा है, ठीक है। यानी अगर केवल नंबर्स को देखें तो ये बन गई आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में बन गई सीरीज। यानी एपी में सीरीज कब होती है, जब उनका डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम ये नंबर्स लें 2 4 6 90 तक, ठीक, तो अभी ये सीरीज बन गई एपी में। अब हम इससे पहले एन निकालेंगे कि टोटल एन कितना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, और ए जो हो गया वो 2 हो गया। तो फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, जहां पर ए है आपका फर्स्ट टर्म, डी है डिफरेंस अंतर कितना है, और टी एन जो है nth टर्म है, ठीक है। अब एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो अब इसे पुट कर दें, तो ये तो हो गया 90 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, ठीक है। तो डिफरेंस हो गया 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 90 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 एन माइनस 2, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एन कितना आ गया 45, मतलब टोटल टर्म्स हो गए 45, क्लियर। और ऐसे भी आप निकाल सकते थे, जब 2-2 का डिफरेंस है तो 90 टर्म्स है, 90 का हाफ कर देते तो निकल आता, लेकिन यहाँ पे टोटल टर्म्स है 45, ठीक। अब आपको क्या करना है कि टोटल टर्म कितने होंगे, 44 टर्म्स और प्लस एक ये वाला टर्म साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये तो टर्म्स हो गए, तो यानी कि 44 टर्म का मतलब 22 पेयर, यानी दो डिजिट को मिला करके वैल्यू 1 हो रही है। 1 कैसे हो रही है, जैसे मान लीजिए इससे पहले एक डिजिट होगा साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ठीक है, और पहली डिजिट थी साइन स्क्वायर 2 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री दोनों मिला के 1 हो गया। अब ये 1 कैसे आया, एक हम प्रूव कर देते हैं, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2 डिग्री को एज इट इज रहने देते हैं, और इसे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर को 88 को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री। अब ये जो होता है ये 1 होता है, इसका मतलब दो टर्म को मिला के वैल्यू 1 आ रही है, ठीक। तो हर दो टर्म को मिला के वैल्यू बनाएगी, यानी 44 टर्म्स तो टोटल है ये, और 90 डिग्री वाला ये हो गया 45th टर्म, यानी कि 22 टर्म तक, 44 का हाफ कितना हुआ, 22 टर्म तक जो वैल्यू है, यानी कि 22 इसकी 1 आ रही है दो पेयर की, तो 22 टर्म्स की कितनी आएगी, 22 ही आएगी, क्योंकि 22 × 1 हो जाएगा, तो 22 और साइन 91 होता है प्लस 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 23, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपने, हमने इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगाए हैं, 90 माइनस थीटा भी लगाया है, साथ में एस आइडेंटिटी भी लगी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो और इसमें एपी का फॉर्मूला भी लगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये बच्चों का गलत हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा।
आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। देखिए 138 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो ये ओरल भी हो जाएगा, लेकिन आपको बताते हैं कैसे करना है। पहले तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन और कॉस की क्या होती है, वन होती है, क्योंकि साइन और कॉस जो है वो जीरो और वन के बीच में, सॉरी प्लस वन से माइनस वन के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो साइन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू वन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वन, तो वन और वन ये दोनों हो गए वन इंटू टू टू और प्लस वन, इसको सॉल्व कर दीजिए, वन प्लस वन टू इंटू वन इज इक्वल टू कितना हो गया फोर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको अब ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो ये चीज़ और समझ लीजिए कि साइन मैक्सिमम किस में होता है, वन किस में होता है, देखिए साइन एक्स अपॉन फोर प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन मैक्सिमम 90 डिग्री वन होता है, ठीक है, और कॉस 0 डिग्री वन होता है, तो कॉस एक्स अपॉन फोर माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 में वन होता है मैक्सिमम वैल्यू, और साइन 90 में वन होता है, तो अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स बाई फोर प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, यहाँ से क्या बनेगी एक्स अपॉन फोर माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा एक्स बाई फोर प्लस एक्स बाई फोर, टू एक्स बाई फोर इज इक्वल टू 90, ठीक है, ये कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, ठीक, एक्स आ गई 180 डिग्री। अब ऐसे ही आप इसको सॉल्व करके थीटा निकाल लीजिए, तो थीटा कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यू इसमें अगर लगा दीजिए या तो फिर वैल्यू निकाल लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, चलिए 90 डिग्री ये एक्स बाई फोर इज इक्वल टू, यह हम एक काम कर लेना एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दें, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई फोर, यानी कि 180 डिग्री अपॉन फोर, चार चौक 16 चार पंच 20 45 डिग्री थीटा आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने ये वैल्यूज निकालनी एक्स की और थीटा की, ये एक्स और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, यहाँ पर इसकी भी वैल्यू वन आ जाएगी, और सॉल्व करेंगे तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट मैक्सिमम वैल्यू कभी भी पूछी जाएगी तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें a इंटू टेन थीटा प्लस 150, बी इंटू टेन थीटा माइनस 60, और फाइंड करना है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें सेम वैल्यू ही एक प्लस में एक माइनस में, तो हमेशा कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड लगता है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, a अपॉन b निकालेंगे, ठीक है, तो a अपॉन दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 थीटा माइनस 60 डिग्री अपॉन 10 थीटा प्लस 150 डिग्री, ठीक है। अब इसमें ऐसी वैल्यू थीटा की पुट करेंगे कि 60 से बड़ी हो, तो अगर हम a ले लें, अगर हम थीटा 90 ले लें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन b इज इक्वल टू 10 30 डिग्री 10 90 प्लस 150, ठीक है, कितनी हो जाएगी वैल्यू 10 30 1 बाई रूट 3 होता है, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा 15 और 9 24 240 हो गया ना, हाँ 180 में ब्रेक कर दें या फिर हम इसमें, तो 60 हो जाएगा, इसको ऐसे करते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री करते हैं, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, इसमें से 30 इसमें ऐड कर दिए, और 10 130 प्लस थीटा लगा देंगे, कितना हो जाएगा 10 130 180 में, 180 में चेंज होता है कि नहीं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज,
ऐड शुगर टू कॉफी 10 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड में जाएगा, 10 पॉजिटिव रहेगा, 10 में नो चाहिए 180 में, ठीक है, तो 1060 हो जाएगा, ठीक है। तो 1060 कितना होता है, रूट थ्री, तो ये हो जाएगा 1/3, यानी a अपॉन b की वैल्यू जो निकली है 1/3। तो अब आप कंपोडेंडो डिविडेंडो मेथड लगाएंगे, सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल में क्या है, सी एंड डी रूल में ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यानी कि ये प्लस ये अपॉन ये माइनस ए, कैसे करेंगे, 1 + 3 / 1 - 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 / -2, कैंसिल कर दीजिए, -2/1, ठीक है। लेकिन यहां निकालना है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो उसका उल्टा कर दीजिए, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू -1/2, ये तो आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू हम 90 पुट करें कि ये वैल्यू आ जाए। ये क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्टली गलत हो जाता है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, -1/2, अगर हम यहाँ थीटा 90 पुट करते जो यहाँ था, तो साइन 90 हो जाता 1, तो 1/2 आ जाता, यानी ए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक ठीक है। बी में अगर हम पुट करते तो साइन 180 डिग्री आ जाता, ठीक है, तो कॉस 90 ये 0 हो जाता। सी में पुट करके देख लें, कॉस 2 × 90/2, तो देखिए 180, कॉस 180 होता है -1, ठीक, तो कितना हो जाता है, -1/2 आ गया, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। अब ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, पता है कैसे याद कर सकते हो, देखो ये एक कर्व है ऐसा, ये हो गया साइन का, यह है 0 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई 270 डिग्री, 3π/2 और ये 2π, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो है ये 1 है, नीचे जो है -1 है, साइन का हम लगाया ग्राफ, साइन -1 से 1 के बीच लाई करता है, तो -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब अगर देखिए साइन 90, साइन 0 0, साइन 91, ये देखिए 1 है, ठीक है, ये 270 माइनस 1 हो गया, 180 साइन 0 हो गया, और कॉस इसका जस्ट उल्टा चलता है, ऐसे देखिए, ऐसे ये कॉस है, ठीक। तो कॉस अब ऐसे ही हमने देखिए वैल्यू वहां लगा दी, 180 है कॉस, तो कॉस 180 यानी कि कहाँ जाएगा, माइनस 1 हो गया, नीचे आ रहा, ये कॉस का ग्राफ है, ये माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ये टेबल और ग्राफ सीख लेंगे तो वैल्यू को याद करना इजी रहेगा। तो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने बेसिक्स रूल्स और टेबल बनाना सिखाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 140 में क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर 25 और ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 90 - 25, 65 को हमने ये लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही इसको हमने ये उतार लिया, एक को चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -10² ब्रैकेट में लिख देंगे 90 - 57, पता है 10² के साथ में है, ठीक है, यहां से माइनस कर दें, चलो यहां तक लिख दिया।
अब ये क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा 90 में चेंज होता है, तो कॉस हो गया, तो कितना हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब इसको चेंज करेंगे तो 10 90 का चेंज हो जाएगा कॉट में, तो कितना आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस 10 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है इसमें जाएगा, और 90 में चेंज होता है 10 का कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। अब देखिए थीटा सेम होगा, यानी कि ये तो हो गया आपका 1, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगी, एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस, देखिए तीन आइडेंटिटी हैं हर बार वो यूज हो रही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो इसमें यूज हो चुकी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस दिस, इसको उधर ले जाएंगे और थीटा की जगह 57 लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 मीन्स हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 140 क्वेश्चन है इसमें, 140 अभी और भी हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक बार इसको, साइन 27 डिग्री अपॉन दिस अपॉन, देखिए ये इसमें ना इसका आंसर भी 2 ही आएगा, कैसे करेंगे देखो, कि देखिए ये 90 में से चाहे इसको चेंज करें तो हम इसको चेंज कर लें, 90 माइनस 27 डिग्री क्योंकि सेम वैल्यू आ गई, ये क्या इसको चेंज कर लीजिए 90 माइनस 63 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा अपॉन कॉस 90 माइनस 27 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस 63 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये साइन थीटा हो गया, साइन 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा दोनों का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 आंसर आ गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 142 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं कि कभी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो ये तब लगती है, जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो क्या होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव में, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अब सपोज इसी की मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी होती तो क्या होती माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बट इसमें मैक्सिमम चाहिए, ए दिया है 2 बी दिया है 3, पुट कर दीजिए इसमें तो कितना आ जाएगा रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 9 यानी कि रूट 13, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जब भी आपसे पूछी जाएगी तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 143 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए 143 में, देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, थीटा एक्यूट एंगल है और ये निकालना है, बहुत ही ईजी है। एक काम कर सकते हैं, या तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा के कॉस की वैल्यू निकाल लें या ट्रायंगल बना करके तीनों वैल्यूज निकाल लें, तो हम एक काम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 5/13 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस 25/169, क्योंकि ये पॉजिटिव था इस साइड या निगेटिव हो गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लो इसमें, कितना आ जाएगा 169 में से 25 माइनस करो यानी कि 144, तो कॉस थीटा कितना हो गया 12/13, ये कॉस निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये उठा करके वैल्यू इसे पुट कर देनी है,
तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन कॉस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टैन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम हो गया, ऊपर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया वन। ठीक है, ऊपर वन आ गया, नीचे आ गया रूट साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन रूट साइन थीटा कितना था 5/13। ठीक है, और कॉस थीटा कितना निकला 12/13। तो कितना हो गया, ये ऊपर चला गया 13/5 इंटू 12 के फैक्टर कर दें 12 चाहते हैं 12। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 13/2, देखिए 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और 5 थी 15 2√15, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिंपल सॉल्व कर दिया है, पहले आइडेंटिटी लगा के साइन की वैल्यू दी थी, कॉस की वैल्यू निकाली है और इसको कोसाइन कॉस में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 2 sin θ अपॉन दिस दे रखा है। एक काम करते हैं कि इसको ऐसे ही उतार लें और इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अब क्या करना है इसमें 2 sin θ अपॉन, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो वन हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये वन हो गया, तो बचेगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा 2 sin θ कॉस थीटा, यानी कि 2 sin θ कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2θ, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखिए, इस वीडियो में ट्रेनी सीरीज 12 में ट्रिग्नोमेट्री के वही क्वेश्चन करवाए जो एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है कि जो पूछा ना गया हो। तो आप ऐसा करिएगा, इसकी एक वीडियो में और बनाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप लोग कंप्लीट करिएगा। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और मैं वीडियो ओवर कर रही हूँ, बाकी नेक्स्ट सीरीज में इसके बचे हुए क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद जय भारत। देखिए, एसएससी सीपीओ की हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 1 से लेके 12 सीरीज तक हमने उसमें क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो एग्जाम में आ चुके थे या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। जो सीरीज आज स्टार्ट करेंगे वो 13 सीरीज है, और इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ क्वेश्चंस उस पर डिस्कस किए थे, करीब 15 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे थे। मैं अंजलि शर्मा अब आपको उसी के आगे करवाऊंगी, ट्रिग्नोमेट्री की ही क्लास है ये, और इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आने वाले हैं, बहुत ध्यान से करिएगा, और डिफरेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और उससे भी बड़ी बात है जब तक आप ये क्वेश्चन एक बार देखेंगे नहीं तब तक आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री 13 सीरीज में सीरीज जो 12 है ना उसमें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री की ही सीरीज है, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसी के आगे ये करवा रही हूँ। तो चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। पहला 145 नंबर है, ठीक है, और 145 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है वो है आपका, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, जो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो a प्लस बी अगर एक्यूट एंगल है तो b की वैल्यू बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए साइन 1/2 किस में होता है,
टेबल आपको जरूर याद करनी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कंप्लीट वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के टेबल कैसे बनाते हैं और फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, किस तरीके से लिखते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो वैल्यू है साइन की 1/2 होती है साइन 30 में, 30 डिग्री में, तो इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी cos a प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये 1/2 है तो 1/2 cos किस में होता है, जो साइन 30 में होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यूज बराबर होती हैं, तो साइन 30 cos 1/2 यानी कि 60 में होगा ये cos 60। ठीक है, cos 60 में हो गया, तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको निकालना क्या है, b निकालना है। ठीक है, तो b को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, देखिए b निकालना है तो हमें a कैंसिल करना पड़ेगा, तो हम a को यहां साइन चेंज कर देंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा -2b इज इक्वल टू -30। तो b इक्वल्स टू 30/2 का मतलब 15 डिग्री। अब 15 डिग्री है लेकिन यहाँ पे पाई के फॉर्म में आंसर दिया है, तो अब इसको कन्वर्ट कर देंगे 15 इंटू पाई बाई 180। पाई बाई 180 से इन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई 15 × 15 × 23। ठीक है, तो पाई बाई 12 इसका आंसर करेक्ट हो गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और 3, 6 चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला होल क्यूब का होता है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, इसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पर और इसको हम इसमें यूज करेंगे, ये फॉर्मूला एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले तो जो गिवन है cos x 1 - cos² x, और 1 - cos² x क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जो गिवन था उससे हमने ये वैल्यू निकाली। अब जो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, यहां से यहां तक ये हो जाएगा इसमें कन्वर्ट, कैसे कि अगर हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये वैल्यू यहां से यहां तक होती है और -1। ठीक है, अब ये हमने लिखा कैसे, जगह अगर आप ये वाला जब ओपन करेंगे ये फॉर्मूला लगा के, a इज इक्वल टू साइन की पावर 4x एंड b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, जब इसे पुट कर देंगे तो ये होल क्यूब पता पूरी वैल्यू यही आ जाएगी सेम। ठीक है, तो आप देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है, cos x है, यहाँ पे cos x लिख दिया। फर्स्ट को हम यूज कर रहे हैं, जहां पे साइन स्क्वायर एक्स है वहां पे cos x लिखा है। ठीक है, अब यहाँ साइन की पावर 4x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट है, 1 के, तो 1 क्यूब माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 इज 0, मींस सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 147 है, इफ 1 + sin α + (1 + sin β) (1 + sin γ) = 1 - sin α, 1 - sin β, 1 - sin γ। लेकिन अगर ये तरीका नहीं सीखेंगे तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ये चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको करेंगे कैसे, देखिए ये टोटल इज इक्वल टू, अगर हम एक्स लेट कर लें, मतलब दिस इज इक्वल टू एक्स और दिस इज इक्वल टू एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + sin α × 1 + sin β
इंटू वन प्लस साइन गामा इजिकल टू एक्स, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही वन माइनस साइन अल्फा, वन माइनस साइन बीटा और वन माइनस साइन गामा इजिकल टू एक्स आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वन इंटू टू। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस देखिए दिस वन प्लस साइन अल्फा इंटू वन माइनस साइन अल्फा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे हम, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया ये, फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको कैसे लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर गामा। और एक्स इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत इजी हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, आइडेंटिटी यूज की, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा, यहां पर गामा था, इसको गामा करिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब क्योंकि पावर टू है, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सारे स्क्वायर हट जाएंगे और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि इसकी दो वैल्यूज होंगी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कॉस, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इसका मतलब आंसर कौन सा करेक्ट है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस कॉस गामा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है, ये वाला आंसर करेक्ट है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सीपीओ में कई बार आ चुका है और सीजीएल में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ये देखिए कि इसमें देखिए आर दिया है, आर दिया है, ठीक है। तो ऐसे जब कभी क्वेश्चन दी हो, आर साइन और आर कॉस इस तरह का, और यहाँ पे थीटा देखिए निकालने, कई बार क्वेश्चन में आर निकालने को भी आ जाता है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर थीटा निकालना है तो आपको इक्वेशन को डिवाइड करना है, और अगर आर निकालना है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे थीटा निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, थीटा वाले में दोनों को डिवाइड करेंगे, देखिए साइन अपॉन कॉस, इसको अगर हम मान लें फर्स्ट इक्वेशन है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, फिर है आर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन से, मतलब दिस बाई दिस कर देंगे, ठीक। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इससे हमारा आर कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन की वैल्यू हमें चाहिए थी, ठीक है, तो ये इसीलिए हमने इसको किया। तो अब क्या हो जाएगा, ये आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, टेन थीटा की वैल्यू आ गई वन बाई रूट थ्री, ठीक। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री इंटू टेन थीटा इज वन बाई रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, वन प्लस वन इज टू, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 149 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत इजी भी है, टफ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए या तो हम इसको रेशलाइज करके कर लें या फिर सीधा एलसीएम लेके कर लें, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम लेके इसको करते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता, तो हम इसको क्या करेंगे, हम सिंपल देखिए सब में रूट लगा है, ठीक है, तो नीचे हम एलसीएम ले लें, रूट वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा, मतलब हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया। अब ये जो एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर होगा तो रूट के अंदर वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, वन प्लस साइन थीटा, ये रूट हटेगा स्क्वायर से, ठीक है, तो ये बच गया वन प्लस साइन थीटा, अब प्लस वन माइनस साइन थीटा,
और नीचे आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप देखिए इससे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो 2 आ गया, नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रूट के अंदर जब कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट इसका, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की। आप देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन बताया था जिसमें आर दिया था और हमको टेन थीटा के फॉर्म में निकाल करके उसको सॉल्व करना था, अब इस क्वेश्चन में आर ही निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, जब भी टेन थीटा करना है तो इक्वेशन को डिवाइड करना है, जब आर निकालना होगा तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आर निकालना है और ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसे कैसे करेंगे ये देखिए, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 7/2, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 7√3/2, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हमें आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑन यहां लिखिए स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन ऐड, दोनों को प्लस कर दें, स्क्वायर करें फिर प्लस करें, तो स्क्वायर करेंगे इसको कितना आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 7√3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 49/2, 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, और ये हो जाएगा 49/3/4 क्योंकि होल स्क्वायर था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको 49 को यहां से कॉमन ले लें, 49/4। ठीक है, तो बचेगा क्या, 40 यहां पे 1 आ गया और ये 3 आ गया, तो ये 4 हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 49, तो ये वैल्यू किसकी आई, और देखिए ये वैल्यू होती है 1, तो ये हो गई आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 49 मतलब 7। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखिए हमने स्क्वायर किया पहले फिर इसको ऐड किया तो आर निकल गया। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 तक हो गए। ठीक है, 151 इसमें क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा x और y की वैल्यू इसमें उठा के पुट कर देनी है। तो x इज इक्वल टू आपको निकालना है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकालना है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ए sec स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। आप देखिए स्क्वायर था तो पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, बी स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, आइडेंटिटी लगी है इसमें थर्ड वाली। ठीक है, सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सेकेंड आइडेंटिटी लगी है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 और फिर 153। चलिए 152 है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी, समझिएगा उसको बहुत ध्यान से, क्योंकि इसके गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो ओरल भी निकाल सकते हैं। बीच के जो मिसिंग नंबर हैं उसमें भी हम एक दो नंबर लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आ गया साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री। ठीक है,
और बीच में कहीं नंबर आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर डैश 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये टोटल टर्म्स कितने हैं, एक से शुरू होके 89 तक, मतलब टोटल टर्म्स कितने हो गए, टोटल टर्म्स वो 89 टर्म्स हो गए। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये इसमें तो लग गया कि 89 टर्म्स है क्योंकि 1 से शुरू है 89 पे खत्म है। ठीक, अगर ये वैल्यू कहीं और से शुरू होती, मान लो 2 से स्टार्ट होती या 5 से स्टार्ट होती, तो हम इसमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते और इसमें हम वैल्यू रख करके n निकालते। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ले लिया 89 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर लास्ट टर्म an होता है, यानी कि अगर यहाँ से लेते तो 89 हो जाता, फर्स्ट टर्म होता है a, n होगा नंबर ऑफ टर्म्स और d हो गया डिफरेंस। ठीक है, बट हम इस वाले क्वेश्चन में इसको यूज नहीं करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट हो गया कि 89 टर्म्स हुए टोटल, जिसमें से अगर हम ये बीच का टर्म हटा दें क्योंकि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे। ठीक, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो सारी वन हो जाएंगी। कैसे कि आप देखिए यहां पे कितने होंगे, 88 टर्म्स प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब ये वाली वैल्यू को हमने अलग कर लिया। अब 88 टर्म्स में कितने हुए टोटल, पेयर कितने हुए, 44 पेयर्स प्लस, अब इसकी वैल्यू अगर हम लगा देंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 44 पेयर्स की जरूरत क्या है, देखिए दो पेयर मिलके एक वैल्यू आ रही है, कैसे आएगी ये समझिए। अगर मान लीजिए एक हमने वैल्यू ये ले ली साइन स्क्वायर 1 डिग्री और लास्ट की एक वैल्यू ले ली साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब दो पेयर ले लिए, एक पेयर लिया और इसको सॉल्व करके 1 ले आएंगे। कैसे कि हमने इसको तो एज इट इज रखा और 89 को हमने कर दिया 90 डिग्री माइनस 1, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे जितने भी टर्म्स हैं, अगर दो दो टर्म आप लेंगे, यहां पर अगर 2 डिग्री है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, 88 डिग्री। ठीक है, तो उनको भी जब आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, यानी हर दो टर्म को सॉल्व करके वैल्यू 1 आ रही है। तो टोटल पेयर हो गए आपके कितने, 44 पेयर्स हो गए। तो 44 पेयर्स में सबकी वैल्यू 1 आ रही है, तो 44 × 1, ठीक है, और प्लस 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 44 और ये हो गया 1/2, यानी आंसर क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्टेप अगर आप समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप ओरल भी निकाल सकते हैं। ओरल कैसे, जब ये चीजें आपको क्लियर हो गई तो आप सीधा कहेंगे कि 90 में से इसको माइनस किया, ये 1 आ गया, कितने पेयर हुए टोटल, और बीच का टर्म लेकर के इसका स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो 152 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 में। 153 में ये जो क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल वैसा ही है, साइन 1 किस में होता है, एंगल निकाल लीजिए, अल्फा चाहिए आपको यहाँ पर। ठीक है, तो साइन 3α माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 90 में 1 होता है। ठीक है, और कॉस 2α प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस 1/2 किस में होता है, कॉस 1/2 होता है 60 में, तो cos 60। ठीक है, अब हम इक्वेशन बना लेंगे 3α माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां से क्या बनेगी 2α प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि हमें चाहिए बीटा, है ना, तो जब बीटा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा कट करना पड़ेगा, अल्फा ही तो चाहिए, बीटा नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, अल्फा चाहिए तो बीटा कट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीटा कट करते तो इसको कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता। ठीक है, अल्फा कट करना है, अल्फा चाहिए तो बीटा कट कर दिया, ये कैंसिल हो गया दोनों, ये क्वेश्चन फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन सेकंड है। ठीक, कितना हो गया,
तीन दो पाँच, फाइव अल्फा इजिकल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, जीरो नौ छः पंद्रह, ठीक है। तो अल्फा कितना हो गया 150 अपॉन फाइव, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया अल्फा, ठीक है। अब 10 अल्फा हमें लगाना है, तो 10 30 डिग्री 1/√3, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली एक और है कि अगर यहाँ पे अल्फा ने लिख करके बीटा लिखा होता तो क्या करते, तो अगर बीटा लिखा होता तो हमको यहाँ पे अल्फा कट करना पड़ता, और अल्फा कट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन को पहले ये वाले नंबर्स को हमें इक्वल करना पड़ता, ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल करते, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, बट ये क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है, तो अगर हमें अल्फा कैंसिल करना होगा तो हमको ये चीज करनी पड़ेगी, इसमें 2 से इंटू करना पड़ेगा और इसमें 3 से इंटू करना पड़ेगा, और फिर दोनों कट जाएंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, अल्फा जो आपने निकाला यही अल्फा उठा के इसमें पुट कर देते तो बीटा निकल आता, दोनों चीजें सही हैं। तो इस क्वेश्चन में तो ये आंसर आ गया, जल्दी आ गया, इसमें डायरेक्ट कैंसिल हो गया क्योंकि कोफिशिएंट इक्वली थे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल टू पी, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इजिकल टू क्यू, इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दें, क्यू पी स्क्वायर माइनस वन, तो क्यू इज सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और पी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब इसमें साइन कॉस में इसको चेंज कर दे, वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन साइन थीटा, और इसमें लगा दे फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन, माइनस वन ये वाला माइनस वन, ठीक। अब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, यहाँ वैल्यू वन पुट कर देंगे, और इसमें एलसीएम ले लें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये वैल्यू वन हो गई, टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, देखिए वन से वन कट गया, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये टू इधर बच गया, और ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी की, तो यहां पर इसकी जगह हमने पी लिख दिया, तो आंसर क्या हो गया, टू पी, टू पी का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी सारे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, और मैं ये वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको पूरा एक वीडियो उसका अलग से बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो मैं यहीं ओवर कर रही हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन, जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी सीपीओ की हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 1 से लेके 13 तक वो क्वेश्चन करवाए थे जो एग्जाम में पहले पूछे गए थे, जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी। आज की ये स्पेशल वीडियो एसएससी के लिए है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे सीजीएल है, सीपीओ है, या फिर सीएचएसएल है, या कोई भी एग्जाम हो, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, और इसमें वो क्वेश्चन भी हैं जो सीपीओ में पूछे गए हैं, ऑप्शंस भी साथ में दिए हैं, और शॉर्टकट ट्रिक के साथ मैं क्वेश्चन कराऊंगी। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ट्रिक्स के साथ बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये।
और इसमें क्वेश्चन हमने छोड़े थे आपको 154 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और वहां तक अगर आपको रिवीजन करना है तो सीरीज वन से लेके और सीरीज बाकी जितनी टोटल है वो सारी कर लीजिएगा, 13 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, 14 से यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये 155 क्वेश्चन, इसे कैसे करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। तो इसको ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 11 डिग्री 15 मिनट, ये मिनट का साइन दिया है, ठीक है, और आंसर जो है पाई के फॉर्म में आ रहा है। तो इसे हम करेंगे कैसे, देखिए ये 11 डिग्री है, ठीक है, और ये 15 मिनट है, तो मिनट को डिग्री में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे, अब इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 45, देखिए इनटू कर दिया, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो 45/4 डिग्री हो गया। अब पाई के फॉर्म में आंसर है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ठीक है, और जो आएगा वो हमारा आंसर है। अब इसको कट कर दें हम, 9 से कट करें, पांच सौ 20 हो गया, ये पाई बाय 16, ठीक है, तो पाई बाय 16 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना था, तो एक डिग्री एक मिनट पे दिया हो सकता, सेकंड में भी दिया होता, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 156 क्वेश्चन। 156 क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 135 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज पाई बाई 12। अब देखिए आंसर पाई के फॉर्म में आ रहा है और यहाँ एंगल डिग्री में दिया है, तो बेस्ट होगा कि हम इसको पहले ना पाई में कन्वर्ट कर दें, तो पाई बाई 180 कर देते हैं, ठीक। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर दें, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 15 बच गया 3, 5 चक्कर 30, ठीक है, फिर 9 से कट गया ये 27, 9 चौक 36, 3π/4 आ गई इसकी वैल्यू 135 डिग्री की। अब कह रहा है कि सम ऑफ टू एंगल्स, अगर एक एंगल को ए मान ले दूसरे को बी मान ले, तो ए प्लस बी जो दिया है वो कितना है आपका 3π/4, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। सेकंड क्या होगी, द डिफरेंस इज पाई बाई 12, तो डिफरेंस दे रखा है पाई बाई 12 यानी ए माइनस बी पाई अपॉन 12। अब इसमें निकालना क्या है आपको, ग्रेटर एंगल निकालना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ग्रेटर एंगल तब होगा जब ये दोनों ऐड होंगे, कैसे कि अगर मान लो हम इनको ऐड करते तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाते तो ये ग्रेटर आ जाता, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा, बी निकलेगा और बी की वैल्यू इसमें से इसको माइनस करनी पड़ेगी तो ये स्मॉल हो जाएगा। तो ग्रेटर निकालने के लिए हमें सिंपल इसको ऐड कर देना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2a = 3π/4 प्लस पाई बाई 12 एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 9 पाई प्लस पाई, ठीक है, यानी कि हो गया 12, ठीक। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10π/12 × 2, अब ये 2 से कट कर दीजिए, यानी कि 5π/12 मींस सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर हमें बी अगर पूछा जाता तो हम एक काम करते, ए की वैल्यू ये उठा के या तो हम फर्स्ट में पुट कर देते या सेकंड में पुट कर देते तो हमारा बी भी निकल आता, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली गलत होने के चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा इसको कैसे करना है। a = 10 11 डिग्री 29 डिग्री, ठीक है, ये तो ए की वैल्यू दी, बी दी है b = 2cot 61 degree cot 79 degree। अब इसमें रिलेशन पूछा है, ए और बी में क्या रिलेशन है, तो एक काम करेंगे कि अगर ये 10 के फॉर्म में है तो इसे भी हम 10 के फॉर्म में ले आएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी को उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो 2cot इसको हम लिख देंगे cot, और 61 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री,
क्योंकि 90 में से अगर 29 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 61, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 11 डिग्री, 79 को हमने लिख दिया 11 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको कर लेंगे, देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, 10 थीटा होता है तो 10 29 डिग्री, और कॉट 90 माइनस थीटा ये भी 10 होता है तो 10 11 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 10 11 और 10 29 ये एक इक्विवेलेंट है, तो ये 2a हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 2a, इसमें कोई ऑप्शन दे रखा है b इक्वल्स टू 2a, यानी कि c ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई, 2a के इक्विवेलेंट आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 158 क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना होता है, एक ही चीज को चेंज करेंगे तो दूसरे से हो सकता पूरा कैंसिल हो जाए। देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, अगर ये 10 में दिया है, ये कॉट में दिया, तो अगर हम 10 कॉट को 10 में चेंज कर दे तो हो सकता है पूरा कैंसिल हो जाए। तो हम सिर्फ ऊपर वाले को चेंज करेंगे, नीचे वाले को टच भी नहीं करेंगे। ये चार ऑप्शन भी दिए हैं, इसमें देखेंगे कौन सा करेक्ट है। तो 30 को लिख दें हम यहां 90 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। और इसको लिख दें 90 माइनस 75 डिग्री अपॉन ये 10 15 डिग्री माइनस, इसको ऐसे ही रहने दिया हमने, ठीक है। अब कॉट 90 माइनस थीटा 90 में चेंज हो जाता है और पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री माइनस 10 75 डिग्री, एक मिनट, ये 75 होगा, 15 होगा यहाँ, क्योंकि 75 को अगर हम करेंगे तो 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, ठीक है, कर लीजिएगा ठीक इसको। अब अपॉन में सेम वैल्यू 15 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री। अब देखिए दोनों वैल्यूज तो सेम है लेकिन माइनस का डिफरेंस है। देखिए ये 10 15 डिग्री नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ऊपर से माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए तो आंसर हम तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी और आ जाएगा। तो हम यहीं पर अगर माइनस कॉमन ले लेते तो ये क्या हो जाता, माइनस 10 60 डिग्री और प्लस 10 15 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया है, अदरवाइज इसको आप ना डायरेक्ट यहीं पे कट कर सकते थे। तो माइनस वन इसका आंसर आ गया, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि यहां से जैसे ही आपका चेंज होगा वैसे ही आप कॉमन लेके डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, ये भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 159 नंबर। देखिए इफ थीटा बी द एक्यूट एंगल एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 17 देन द वैल्यू ऑफ कॉट 90 माइनस थीटा। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा निकालना है और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 थीटा, मतलब आपको केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको दे क्या रखा है, कॉस थीटा दे रखा है, कितना दे रखा है 15 अपॉन 17। अब अगर आपको 10 निकालना है और कॉस आपको दिया है तो या तो आप ट्रायंगल बना के तीनों साइड निकाल करके ऐसे सॉल्व कर लें, ठीक है, या फिर आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं कि इसको पहले आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। दो तरीके हैं इसके, या तो हम इसको चेंज कर दें 15 स्क्वायर अपॉन 17 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया इसको, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस, यानी सेक हो गया, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17 स्क्वायर अपॉन 15 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है कि फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये निकाली है 17 स्क्वायर अपॉन 15 स्क्वायर माइनस 1, और इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर अपॉन
15 स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर है, ठीक है। इसको आप अब सॉल्व कर लीजिएगा और इसमें से आंसर टिक करिएगा कि कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। नीचे 15 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर करेक्ट होगा कि इसमें 15 दे रखा है, इसमें 15 दे रखा है। और यहां तक या तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना था, एक दूसरा तरीका भी बता देते हैं कि एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो कॉस दे रखा है 15/17, मतलब ये हो जाता आपका बी, बी का मतलब बेस, और एच हो जाता ये, इससे आप ये निकाल लेते। और इसको निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ता, मतलब ये कैसे निकलता, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते 17² - 15², ठीक, और उसका स्क्वायर रूट ले लेते तो ये निकल आता। और उसके 10 का फॉर्मूला क्या होता है, दिस बाय दिस, तो नीचे 15 आता और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती वो आंसर टिक कर देते। दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर लीजिए, या ये ट्राइंगल लगाकर डायरेक्ट सॉल्व करके इनमें से जो आंसर आएगा वो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं 160 क्वेश्चन, ठीक है। 160 क्वेश्चन में क्या है, 10 थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है और इसकी वैल्यू बतानी है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर 10 की वैल्यू आपको दे रखी है, इसका मतलब इक्वेशन साइन कॉस के फॉर्म में, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको 10 में कन्वर्ट कर दें, यानी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो वह 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर पूरी इक्वेशन को ऊपर वाले को न्यूमरेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 8 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 5, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है। नीचे क्या होगा, साइन क्यूब है तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा से कैंसिल होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस 3, मतलब ये चीज बच जाएगी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आप देखिए, ये 10 में कन्वर्ट हो गया, ये 10 में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 8 10 थीटा प्लस 5 अपॉन, ये हो जाएगा 10 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक है। आप 10 थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 यहां पुट कर दीजिए, तो 8 इंटू 2 प्लस 5 हो गया ऊपर, यहां पे 2 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16 और प्लस 5 अपॉन, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3, ठीक है। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 16 और 5 21 हो गया, और नीचे कितना जाएगा, देखिए ये तो 1 हो गया, तो 2 + 3 = 5, 21/5 यानी कि 21/5 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 10 की वैल्यू दे रखी है, कॉट की दी होती है, तो हम उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161। देखिए ये क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया है, अब इसको करना कैसे है ये समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कराए हैं, हर बार कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए इन क्वेश्चंस की। चलिए ये वाला क्वेश्चन है कि 1 + 1 अपॉन कॉट स्क्वायर 63 डिग्री, और देखिए यहाँ 27 है, ये 63 है, 27 है, ये 63 है, मतलब कि आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो हो सके तो इनको एक लाइन में कर लीजिए, ठीक है, और फिर सबकी थीटा सेम कर लीजिए, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, सबको पहले एक लाइन में करेंगे, 1 + 1 अपॉन कॉट क्या होता है, 10 होता है, तो 10² = 63 डिग्री माइनस sec² 27 डिग्री, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर 63 डिग्री और माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये 27 है, सबको 27 में कन्वर्ट कर दें,
तो 90 में से अगर हम 63 माइनस करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, फिर इसको चेंज कर लेंगे, इसको कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री और इसको हम ऐसे उतार लेंगे, कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, मतलब हमने अभी कुछ नहीं किया, जहां पर 63 है वहां पे केवल 90 माइनस 27 कर दिया है। तो अब क्या होगा, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर 27 डिग्री, सेक स्क्वायर 27 डिग्री और ये कितना होगा प्लस कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक, सेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास ना ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव है। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इन दोनों की जगह पे मतलब आपने आइडेंटिटी लगा दी, कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री और ये वाली वैल्यू माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री। अब ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गई, यानी जीरो मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बस इसमें एक पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक सिंगल लाइन में हो सके तो कन्वर्ट कर लें, उसके बाद सबके थीटा सेम कर देंगे तो कोई ना कोई आइडेंटिटी लग जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 में इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, फिगर बना ले, ये 90 डिग्री दे रखा है क्या, एंगल बी, तो ए इसको मान लें, सी इसको मान लें। ठीक है, ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा है 2:1, तो ए बी दिया है अगर 2x तो बी सी दिया है 1x यानी x, तो आपको निकालना है साइन ए प्लस कॉट सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हो गया, तो ए सी कितना हो जाएगा रूट 5x, या भी रूट 5x। ठीक है, पता ये चीज निकल गई आपकी। ठीक, अब आप क्या क्या ऐसे निकालेंगे, देखिए साइन क्या होता है, ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमने फॉर्मूले आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टेबल में, उसको मैं आई बटन में दे दूंगी और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा। इसको हमने इसलिए लिखा है कि हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, और पहला होता है साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, पी बाई एच चाहिए हमें। ठीक है, और दूसरा हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए, सी ओ टी, तो सी ओ टी मतलब ये कितना होगा, यहाँ पे ये कॉट होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो दोनों को यहाँ पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो आप साइन ए देखिए, आप ए में एक चीज ध्यान रखिएगा, ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये ए है एंगल, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, साइन ए प्लस कॉट सी। अब देखिए क्वेश्चन गलत होने के चांसेस यहीं पर होते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, जब हम यहाँ पे एंगल ए ले रहे हैं मतलब ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी एक्स अपॉन और क्या होता है एच, यानी कि रूट 5x और प्लस लगा दिया आप कॉट सी है, तो सी मतलब ये, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो क्या होता है बेस अपॉन, तो यानी कि ये बेस हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी एक्स अपॉन, ये बेस हुआ
देखिए परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक, तो बी एक्स अपॉन टू एक्स। अब देखिए x से x तो कैंसिल कर दीजिए, अब कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब हम अगर एलसीएम ले लेते इसका तो कितना आ जाता 2 रूट 5, यानी बच जाता 2 प्लस रूट 5, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, इसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आंसर वहां पे गलत हो सकता है जहां पे एंगल एक में दे दिया है ए और दूसरे में दे दिया है सी, ठीक है, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 देखिए कैसे करना है। 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/3, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज इसमें सोचने वाली है कि एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसी को जब हम यहां ले आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या दिया है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, सिंपल आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी और आंसर निकल आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व भी नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू निकालनी माइनस 1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जो कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आइडेंटिटीज याद होंगी तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई कौन सी आइडेंटिटी डायरेक्ट लग जाएगी, हो सकता है कि पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करना पड़े जो गिवन वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 164, इफ एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल्स टू बी सेक थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू ए सी टेन थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू पुट कर दे, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दे, सिंपल स्क्वायर लगाया है तो क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए पहले तो ये कैंसिल कर दिया हमने, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब जो बचा है उसको देख लेते हैं, ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बचा हमने लिख लिया। अब हमें क्या देखना है, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेते तो क्या बचता, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाती 1, तो ये क्या बचता सेक स्क्वायर थीटा, और ये इसको हम ऐसे ही उतार लेते साइन टेन स्क्वायर थीटा, तो ये जाता माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी बन गई आपकी, क्या आइडेंटिटी दी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा को टेन थीटा को उधर ले जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो 1 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक काम और कर सकते हैं कि इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कई बार क्या होता है कि साइन 15 डिग्री को हम याद भी कर लेते हैं, फॉर्मूला भी होता है, जैसे साइन 30 और साइन 60 याद करते हैं, ऐसे साइन 15 डिग्री को भी याद कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आया है तो करेंगे कैसे, देखिए कि इसको करने के लिए हम साइन 15 को लिख देंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है और ये आपको याद करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा,
ठीक है। तो अब ए और ए लगा देंगे ये और बी लगा देंगे, इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। यानी हमने फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू लगा दी, अब हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू लगा के सॉल्व कर देना है। तो कॉस 40 सॉरी साइन 45 होता है 1/√2, ठीक, इनटू कर देंगे। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 होती है √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, 2√2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 - 1, ठीक है। तो √3 - 1/√2 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि ये वाले जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन थे जो एसएससी के किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन लोगों इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए और जो भी आपको डाउट होगा वो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, उसको एज अ डाउट पूरी वीडियो को बना करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद जय भारत।